हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड हम गैस लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था, आज हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या था, जैसे कि आपको पता है एट, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ पढ़ा दिया आपको, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। तो बॉयल्स लॉ, का डिडक्शन हमने देखा था, तो अब हम क्या कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ का डिडक्शन डिड्यूस कैसे करते काइनेटिक गैस थ्योरी से, वो आज हम पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ कैन ऑल्सो बी डिड्यूस्ड फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम कैसे बॉयल्स लॉ को डिड्यूस करेंगे, चलो देखते हैं। जैसे कि हमें पता है, हमने ये डेरिवेशन निकाली थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, जो डेरिवेशन थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो क्या था ये, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वेयर रूट मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको नंबर वन इक्वेशन दे देंगे। फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय टू, तो पी वी इज इक्वल टू 1/3, टू से इसको मल्टीप्लाई कर दें और टू से इसको डिवाइड कर दें, एम एन वी स्क्वेयर रूट मेन स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पी वी इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ क्या बचा, 1/2 एम एन वी स्क्वेयर रूट मेन स्क्वेयर। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है ये क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वेयर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। पी वी इज इक्वल टू 2/3, ये क्या आ गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी, इसको नंबर वन इक्वेशन दे देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी का निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा KT, इसको नंबर टू इक्वेशन दे देंगे। फिर पुट इक्वेशन टू इन वन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट, तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 KT। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, ये V जो है यहीं पे रहेगा और P हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, और ये KT यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये जो P है, K है और 2/3 है, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो क्या बन गई इक्वेशन, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इज इक्वल टू KT, ऐसे करेंगे तो K यहाँ रह जाएगा V/T, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो रही है। ठीक है, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या है, दस चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड, दस चार्ल्स
लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।